अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और रिसेप्शन से आ गए थे हम वापस, और उसके बाद में अभी थोड़ा सा मैंने सामान वगैरह अनपैक कर लिया था। उसके बाद में मैंने लौकी और चने की दाल और अरबी की सब्ज़ी बनाने लगी थी। चने की दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था। ये देखें, चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बन चुकी है, और इधर ये अरबी भी मैंने बना ली है, और साथ में मैंने आटा भी गूंद लिया है। और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो खाना वगैरह हमने खा लिया था, उसके बाद ये हो गया था नेक्स्ट डे। और जैसे कि मैंने बताया था, दो दिन बाद मुझे फिर से जाना था, हमें फिर से मैरिज अटेंड करनी थी, एक मैरिज और रिसेप्शन दोनों। तो दो दिन का अभी फंक्शन बाकी था। तो अभी मैं कुछ आई थी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट, हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है ये संडे मार्केट, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जा रही थी, बट यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम काफ़ी लेट भी गए थे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी मार्केट, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई थी, वो साइड पर ही थे। और ये कुछ मेकअप की चीज़ें थी, आई लैशेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर, और काफ़ी सारी चीज़ें छोटी मोटी मैंने ली थी। ये छोटे छोटे फेस टॉवल मैंने लिए थे दो, और ये एक बेडशीट थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये। इंशाल्लाह इसे कभी ना कभी बाय ज़रूर करूँगी, ये बहुत ही प्यारा, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये बेडशीट लग रही थी। इसमें कलर भी था, एक और कलर इसमें था पीच कलर। और ये कुछ कर्टन्स, ये देखें 9 फीट वाले कर्टन्स ये लगे हुए थे, और सभी साइज़ के कर्टन्स यहाँ पर थे, काफ़ी हैवी और थोड़ी हल्की क्वालिटी में भी सभी तरह के कर्टन्स, काफ़ी अच्छे कर्टन्स थे यहाँ पर, बेड शीट्स थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर, तो मैं अपना कुछ सामान पैक कर रही थी फिर से, प्रेसिंग वगैरह मैंने यहाँ पर रखी हुई है निकाल के, और सारा सामान मैं फिर से पैक कर रही थी। और कुछ सामान मैं लेकर आई थी, एक कुछ गिल्टर भी मैं अभी मार्केट से लेकर आई हूँ, बट ये मैंने लोकल मार्केट से नहीं लिया है, ये मैंने शॉप से बाय किया था। ये देखें, ये गिल्टर है, आई शेड गिल्टर, और बहुत ही प्यारा इसका कलर है, ना तो ज़्यादा गोल्डन है ना वाइट है, और बहुत ही प्यारा इसका शेड था, हर ड्रेस के साथ जाएगा ये कलर। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे बेटे के टॉयज़ काफ़ी सारे, तो मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। ये देखिए है चॉकलेट बैंक, और इसमें छोटे छोटे कॉइन थे चॉकलेट्स के, और काफ़ी ज़्यादा ये क्यूट लग रहा था। और ये दो छोटे छोटे से फोन थे, ये चल छैया छैया वाले फ़ोन नहीं हैं, ये दूसरे वाले फ़ोन हैं, और सेल्फी जिस तरह से क्लिक करते हैं हम उस तरह से, इसमें साउंड काफ़ी प्यारे प्यारे इसमें साउंड्स थे। और ये छोटे छोटे से हॉट व्हील्स की ये कार्स थी, कुछ प्लास्टिक के थे, और कुछ छोटे छोटे से ये इसके टॉयज़ थे, काफ़ी सारे टॉयज़ उसके लेकर आए थे, और उसे सबसे ज़्यादा कार्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये देखें, और कितनी सारी उसने लाइन से लगाई हुई हैं, लाइन से लगाई हुई हैं सभी को। और ये छोटी छोटी सी जो स्पेसशिप होते हैं वो हैं, अभी मेरा बेटा उसको आपको चलाकर भी दिखाएगा। और ये देखिए, इसके छोटू छोटू से भी टॉयज़ हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं, टॉप भी है, लट्टू जिसे कहते हैं वो भी थे, एरोप्लेन्स भी थे छोटी, और छोटी छोटी सी प्यारी सी बाइक्स थी, एरोप्लेन थे, ईगल थी छोटी सी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, रेजर थी, काफ़ी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें लेकर आए थे उसके पापा उसके लिए। और ये बहुत ज़्यादा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, इनको खेलने लगा फौरन से। ये देखें, ये छोटा सा स्पेसशिप है, और बिल्कुल राउंड में ये चल रहा था, और इतना प्यारा लग रहा था। ये देखें जिस तरह से ये घूमते हुए दिखाते हैं स्काई में, ये उसी तरह से। और जब उसके पापा आए थे तो ये कुरान शरीफ पढ़ने के लिए गया था, और कपड़े वगैरह चेंज भी नहीं किए उसने, और खेलने लग गया टॉयज़ के साथ। ये देखिए कितने सारे टॉयज़ थे, अच्छा खासा उसके पास पहले से भी काफ़ी सारा कलेक्शन है टॉयज़ का, और अभी तो काफ़ी सारे और भी ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं।
और ये इरेजर के लिए बैग था, छोटे छोटे टॉयज बने हुए थे इरेजर, तो ये उसका एक छोटा सा पाउच था जो अपने बेटे से मैंने ले लिया था, छीन लिया था एक्चुअली, वो नहीं दे रहा था बट मुझे बहुत ज़्यादा ये क्यूट पाउच लगा था, छोटा सा था, उससे मैंने ले लिया। और ये काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बस उनको उसने सेट किया हुआ था और इन्हीं के साथ खेल रहा था काफ़ी देर तक। और ये देखें एक छोटा सा वॉकी टॉकी। और जब मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं उसके लिए तो अच्छे खासे काफ़ी सारे टॉयज लेकर आते हैं एक साथ, और बच्चों को क्या चाहिए यार, बस यही तो एक एज है टॉयज के साथ खेलने वाली। नेक्स्ट डे हो गया था और शाम के टाइम मेरे हस्बैंड साइड से आए थे और हम निकले थे अपने मायके के लिए, और मायके से फिर हम सभी साथ में गए थे, मेरी सिस्टर वगैरह भी आई हुई थी और ये मेरे भाई हैं, ये मेरा भाई है और ये इधर लेफ्ट साइड में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और ये मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी सिस्टर्स में, और ये मेरी थर्ड नंबर वाली सिस्टर, छोटी सी उसकी बेटी है जो सो चुकी है और बच्चों को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, इनके जस्ट बराबर में मैं हूँ और मेरी मम्मा बैठी हुई हैं, और मेरा बेटा मेरे हस्बैंड की गोद में बैठा हुआ है, और हमने ओल्ड सॉन्ग प्ले किए हुए थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया साथ में, और बहुत ज़्यादा अच्छा रहा यहाँ का सफ़र। सब साथ में होते हैं तब और ज़्यादा इन्जॉय किया जाता है और ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए हम साथ में ही गए थे मेरठ के लिए। मेरी जो सेकंड नंबर की सिस्टर हैं उनकी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, जैसे मैंने बताया था कि उनकी शादी में जाना है हमें 2 दिन के बाद, तो हम वहीं के लिए जा रहे थे। और इतनी सारी शादियां थी रास्ते में, काफ़ी सारे मैरिज हॉल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है डेकोरेशन की हुई थी रास्ते में, और शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और काफ़ी सारी शादियां आने वाली हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय होने वाला है। और ये हम पहुंच गए हैं मैरिज हॉल के जस्ट बराबर में, और हम अभी अपना सामान वगैरह निकालने लगे थे गाड़ी में, और मेरे भाई ने गाड़ी को पार्क किया था इतनी देर के लिए, हम यहीं पर खड़े हुए थे और अभी हम जाने लगे हैं। इस शादी में हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।